हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो फिलहाल मैं 240 के अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सिस्टम में इस स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट शो किया है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इसका प्राइस यहाँ से भी फ्यूचर में काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ स्वान एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट शो किया है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों हम बात करें इसका पिछले 1 मंथ का इसका प्राइस था ग्राफ का, तो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक ने 54% से एबव का काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है। देख सकते हो किस तरीके से इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक ने रफली यहाँ पे 100% के आसपास का मुनाफा दिया है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पे 80% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि ये भी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों इसका प्राइस ऑल टाइम हाई हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है और काफी शानदार तरीके से इसमें हमें रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहां पे बात करेंगे पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने रफली यहां पे 80% का मुनाफा दिया है। हालांकि यहां पे देख सकते हो काफी शानदार तरीके से ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है जिसके वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 400+ में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक ने अभी तक काफी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो काफी शानदार तरीके से इसमें हमें एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है जिसके वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में 20% का अपर सर्किट हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे डिलीवरी का पोजिशन कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमें यहाँ पे डिलीवरी का पोजिशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 40% की खरीदारी जबरदस्त तरीके से। दोस्तों यहाँ पे 20% का अपर सर्किट और उसमें भी यहाँ पे 40% की खरीदारी, दोस्तों फ्यूचर में भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो इसका 52 लो एंड हाई 113 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था पिछले साल, वहां से इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑल टाइम हाई शो किया है जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका फेस वैल्यू की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 रुपए हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें इसे क्वार्टर का रिजल्ट का, दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो किया था। हालांकि बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, यहाँ पे 64% से एबव का होल्डिंग है जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में यानी कि प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे 16% से एबव का हमें यहाँ पे प्रमोटर का शेयर प्लेस है जो कि अभी तक इस स्टॉक का सबसे खराब सिचुएशन में यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है जो कि आप लोगों के सामने में यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल हमें सिमिलर इसका रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का तो कोई खास फिगर है नहीं। हालांकि बात करें यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का तो यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों स्टॉक हमें यहाँ से भी काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि बात करें इस स्टॉक का यहाँ पे मार्केट एपिलेशन का, तो यहाँ पे 6400+ का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे सेक्टर के पीरिश्यू का, तो यहाँ पे दोस्तों 29 के आसपास में देखने को मिल रहा है जो कि इस स्टॉक का पीरिश्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दोस्तों हालांकि बात करें यहाँ पे रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो हमें रेवेन्यू का यानी कि ग्राफ भी काफी अच्छा खासा फिलहाल देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल का रेवेन्यू में थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे 68 करोड़ का हमें यहाँ पे नेगेटिव फिगर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें दोस्तों यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कितना यहाँ पे सेल्स शो किया है, तो यहाँ पे सेल्स का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सितंबर क्वार्टर। दोस्तों हालांकि बात करें इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीए की होल्डिंग है, उससे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे भी हमें 64% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे एफआई का होल्डिंग हमें 8.5% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है जो
जो कि दोस्तों यहाँ पे डीआई का होल्डिंग ओनली हमें 3% के आसपास का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग का, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करिए अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 200 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 400 के भी क्रॉस करके काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।